नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको ग्रोसरी शॉप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, यानी कि किराने की दुकान या जनरल स्टोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी अपनी पुरानी दुकान है, अच्छे से नहीं चल पा रही है, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहे, अच्छी इनकम नहीं हो रही है, कस्टमर की फुटफॉल अच्छी नहीं है, या आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं, या आप नई दुकान खोलने जा रहे हैं, तो आपको अपनी दुकान खोलते हुए, रेनोवेट करते हुए, या आपकी दुकान में फुटफॉल अच्छा नहीं है, कस्टमर अच्छा नहीं आता है, ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी दुकान में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप अपने यहाँ पर किस चीज़ की, किस किस चीज़ की सीटिंग और सेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको अपने अनुभव की, वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास खास बातें बताना चाहूँगा, जो आप अपने यहाँ पर मेरी वीडियो को देखकर अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, वेस्ट फेसिंग जो आपकी अपनी ग्रोसरी शॉप है, इसके अंदर शटर पर जो कलर आना चाहिए, वाइट कलर या सिल्वर कलर, इसके साथ में फ्रंट का एरिया टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा गड्ढे वाला नहीं होना चाहिए, उसको स्मूथ कराना है। दूसरा, फ्रंट में यदि नाली है तो नाली को क्लीन करा के, साफ़ करा के, उसके ऊपर पत्थर टाइल्स जो आपने लगानी है, जाल लगाना है, उसको ढकना है, अच्छे से ढकना है। इसी के साथ में फ्रंट में पानी का छिड़काव, पानी का कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ग्रोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, आपके यहाँ कस्टमर आता है, अपने व्हीकल के साथ भी कस्टमर आता है, व्हीकल लेके आता है, तो उस व्हीकल को खड़ा करने के लिए प्रॉपर पार्किंग की जो जगह बन सकती है इजीली, जितनी बनती है उसको आप अपने यहाँ पे ठीक तरीके से ज़रूर बनाएं। इसके साथ में आपने अपने यहाँ फ्रंट में शटर के बाद अंदर एंटर करने के लिए जो गेट, जो रास्ता बनाना है, वेस्ट के सेंटर से लेके नॉर्थ वेस्ट की ओर, यहाँ साउथ वेस्ट में कंप्लीट डिस्प्ले, यहाँ भी आपकी डिस्प्ले आएगी, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट में कंप्लीट आपके अपने रैक्स लगेंगे, डिस्प्ले आएगी, ईस्ट वॉल पर भी आपकी अपनी कंप्लीट डिस्प्ले लगेगी, ऐसे ही नॉर्थ वॉल पर भी आपकी अपनी डिस्प्ले आएगी। ऑनर की सीटिंग कहाँ और कैसे आनी चाहिए, ऑनर की सीटिंग, ऑनर के लिए जो काउंटर बनेगा वो काउंटर यहाँ बनेगा, ऑनर को यहाँ बैठना है, बिलिंग वाले को काउंटर आप एल पोजीशन में बनाना चाहें तो एल पोजीशन में भी आप अपना काउंटर बना सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर भी आपके अपने रैक्स लग जाएंगे बीच बीच में, एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, आपने अपने यहाँ पर इस हिस्से में, किस में, गेट से एंटर करते ही नॉर्थ वेस्ट जोन में कोई भी रैक नहीं लगाना है, एक चीज़। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कौन सा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, इस हिस्से में भी आपने माल कोई भी नहीं लगाना है, इस एरिया को भी आपने खाली रखना है। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पर कोई भी फ्रिज लगाना है, फ्रिज वो आपका अपना इस हिस्से में साउथ ईस्ट में, यहाँ फ्रिज लग जाए या फिर यहाँ फ्रिज लग जाए, यहाँ फ्रिज आना ही चाहिए, क्योंकि कोई एक फ्रिज तो आपके यहाँ जरूर लगाया जाएगा। फ्रिज लगाने की जगह मैंने आपको बता दी, ईस्ट वॉल पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ ईस्ट तक आप अपना मंदिर बना सकते हैं, पीने का पानी आप नॉर्थ ईस्ट जोन में, नॉर्थ के सेंटर तक पीने का पानी आप कहीं भी रख सकते हैं। इसी के साथ इन्वर्टर, और आपने कहाँ लगाना है, साउथ ईस्ट में ही आपने अपना इन्वर्टर लगाना है। ओनर जहाँ बैठेगा
गला तिजोरी उसकी ईस्ट की ओर ओपन होनी चाहिए या फिर उसकी अपनी उसके अपने राइट हैंड में ड्रॉअर बन जाएगी जो कि साउथ की ओर ओपन हो रही है। लेकिन रूटीन में यूज़ तो ये रहेगी उसके बाद पैकेट बनने के बाद, क्योंकि सुबह से शाम तक जब कस्टमर आता है अच्छी सेल होती है, अच्छी सेल होने के बाद एक पैकेट बन जाता है, उस पैकेट को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दें या बैंक से पेमेंट आई है या कस्टमर कोई अच्छी पेमेंट देके गया है, महीने भर माल उधारी में जाता है उसका पेमेंट आती है, उस वो पेमेंट आपकी इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो ऐसा आप करते हैं, इस तरीके से आप अपनी सीटिंग और सेटिंग करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है आपको रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।